रसमलाई तो आप सबको बहुत पसंद होगी, पर इसे हमेशा घर पर बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसे बनाने की प्रोसेस बहुत ही टेक्निक वाली और टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो आज हम वैसी ही रसमलाई घर पे ब्रेड से बनाएंगे और वो भी सिर्फ 20 मिनट्स में। ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और आप इसे हर त्योहार पे फटाफट बना के खा सकते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Hi friends, this is Neha. Welcome to Desert Masala, your place to learn amazing recipes. So let's get ready. सबसे पहले हम रसमलाई का दूध बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध को हाई फ्लेम पे बॉईल होने रख दिया है। दूध में एक उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा पिस्ता, बारीक कटे बादाम और थोड़ा सा केसर। फ्रेंड्स, आप इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली घुमाते रहिए ताकि ये नीचे से जले नहीं। अगर आपको ये हाई फ्लेम पे मैनेज नहीं हो पा रहा तो आप गैस की फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट इसे उबालने के बाद आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी कम हो गई है, और आप यहाँ देख सकते हैं केसर का भी कितना अच्छा कलर इसमें उतरा है। यहाँ हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं किया है। अब इसमें डालेंगे 3/4 कटोरी शक्कर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। फ्रेंड्स, इलायची कूटते वक्त इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कीजिए, इससे इसकी फाइन पाउडर बनती है। अब शक्कर घुलने तक इसे फिर से बॉईल कर लेंगे। तो हमारे रसमलाई का दूध बनके रेडी है। गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में ठंडा होने रख देंगे। दूध जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम रसमलाई की एक सिंपल सी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 1 टीस्पून घी को मेल्ट करके इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी फ्रेश क्रीम। यहाँ अगर फ्रेश क्रीम आपके पास नहीं है तो आप दूध का भी इसमें यूज कर सकते हैं। दोनों को थोड़ा मिला के फिर इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। और इन तीनों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। हमें इस पूरे मिक्सचर को तब तक कुक कर लेना है जब तक ये पैन की साइड्स छोड़ के थोड़ा गाढ़ा ना बन जाए। तो ये देखिए, हमारी स्टफिंग भी अब बन गई है। इसे भी साइड में ठंडा होने रख देंगे। अब चलते हैं हमारे क्विक रसमलाई बनाने की फाइनल प्रोसेस में। यहाँ मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इन्हें एक एक करके किसी कुकी कटर या फिर ग्लास की हेल्प से ऐसे गोल गोल काट लेंगे। इसके बचे हुए पार्ट से आप ब्रेड क्रम्स या ब्रेड उपमा बना सकते हैं। इसे काटने के बाद अब हम अपनी बनाई हुई स्टफिंग लेंगे और थोड़ा रसमलाई का दूध लेंगे। सबसे पहले हमें इन ब्रेड के स्लाइसेस को रसमलाई के दूध से हल्का सोक कर लेना है, स्पेशली इसके एजेस पे, क्योंकि हमें आगे इसे प्रेस करना है एजेस से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे सोक कर लिया। सिमिलरली हम बाकियों को भी ऐसे ही सोक कर लेंगे। अब हाथों को घी से ग्रीस करके थोड़ी सी स्टफिंग इसके बीचों बीच रख देंगे और हाथों से ही इसे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। इसे इस तरह स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर अपना दूसरा स्लाइस रख देंगे और एजेस से इसे दबा दबा के सील कर देंगे। इसे 1-2 बार घुमा के अच्छे से प्रेस करने के बाद ये सील हो जाएगा।
तो ये देखिए हमारी इंस्टेंट रसमलाई बन गई है। सिमिलरली मैं बाकी भी बना लेती हूँ। तो सब कुछ रेडी है, अब चलते इसे असेंबल करने। इसे किसी फ्लैट बॉटम कंटेनर में एक एक करके रख देंगे और इसके ऊपर रसमलाई का दूध डाल देंगे। इस तरह सारी रसमलाइयों को दूध में अच्छे से डिप कर लेंगे। और दूध डालने के बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। तो ये देखिए हमारी इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई बनके रेडी है और टेस्ट में ये बहुत ही यम्मी है फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए।